एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं सनी बर्ड्स। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप बर्ड को, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कौन सा बर्ड को दाना देना चाहिए। ये देखें, ये एक तो मिक्स किया हुआ है, ये इनमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, कंगनी, कनेरी, चीना और सूरजमुखी भी ये मिक्स किए बगैर है, ये भी डालना चाहिए। और ये सूरजमुखी पड़े हुए हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा, ये देखें, बर्ड्स को ये भी डालने चाहिए, ये देखें। ये बहुत ही अच्छा और साफ दाना है, इसमें कोई नई चीज़ें जो ख़राब हो या कोई हल्की हो, ये भी बहुत अच्छा दाना लेके आया हूँ मैं। आज मेरे पास थोड़ा सा दाना है, मगर मैं दिखाऊंगा कि आपके आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाना किस तरह से डालना चाहिए, कितनी तादाद में डालना चाहिए और कौन कौन से बर्तन में इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखे हमारे छोटे से पिजन बहुत होशियार है, ये देखे। ये देखिएगा बर्ड, ये बर्ड के लिए शावर बहुत अच्छा है, जिससे उनको हल्की हल्की बारिश का मौसम एंजॉय करने को मिल जाता है। और ये देखें, इससे बहुत ही इजीली वो नहाते हैं और फ्रेश होते हैं। पहले सबसे पहले आपने बर्ड्स के लिए जो दाना रखा हुआ है वो निकाल लिए, निकाल लें क्योंकि वो गीला ना हो जाए। हमारे पिजन भी बाहर आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा कितने आराम से वो नहा रहा है, खुश हो रहा है। अब मैंने आपको दिखाता हूँ कि आप अगर बर्ड को कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाए या बदहजमी हो जाए या कोई मसला बन जाए, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए आपके पास। ये देखें, कैल्शियम भी, जो कि पर वगैरह नहीं ख़राब होंगे, जल्दी आते रहेंगे और ये हेल्दी रहेंगे। फ्लॉक्सीवेट है, अगर कोई बीमार हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, उनको फ्लॉक्सीवेट देना चाहिए। ये है, और ये फीडिंग का सामान है कुछ। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। देखते रहिए सनी बर्ड्स, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। मैंने बहुत सी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा और अपने फार्म का भी दिखाता रहूँगा। ये हमारा एक छोटा सा सेटअप था जिसमें आपको दिखाया है कि ये चीज़ें इस तरह से रखनी चाहिए, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनको साफ करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इनके लिए सही रहनी चाहिए और कौन सी। ये देखें, आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें, हमने बारी रखी हुई है जिससे हवादार इधर से आएगी, आती है हवा, और ये भी दरवाज़ा इसीलिए लगवाया हमने, ये देखिएगा, इसीलिए ये दरवाज़ा हमने लगवाया है कि बर्ड्स अगर निकल भी जाएं तो बाहर ना जा सकें और ना ही कहीं धूप में बैठ सकें या कुछ हो सके। इसीलिए अब
इधर हमारे सोलर पैनल तो लग गया है मगर इधर वायरिंग नहीं हुई। इंशाल्लाह आज कल में वायरिंग हो जाएगी, आपको दिखाऊंगा कि इधर इधर लाइटिंग करनी चाहिए, इधर पंखा लगना चाहिए। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। मेहरबानी करके मेरा लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।